नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। दोस्तों, शादी के बाद हर युवा और युवती इस देश में शिकायत करता है कि वो धोखे का शिकार हुए। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। जिस पार्टनर को उन्होंने चुना था वो उनके लायक नहीं है, वो फंस गए हैं और उन्हें डिवोर्स ही औषधि के रूप में दिखता है और ऐसा लगता है कि इसे लेकर, इसे अपनाकर वो अपने नए जीवन को शुरू करेंगे और जो पार्टनर उनकी लाइफ में आ गया है जिसके कारण उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है, वो धोखे का शिकार हुए हैं, उससे उन्हें काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। पर दोस्तों, जब भी आप कंटेस्टिंग डिवोर्स फाइल करेंगे तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका डिस्पोजल, उसमें लगाने वाले एलिगेशन है। आपने पत्नी पर 10 आरोप लगा दिए, पत्नी ने उल्टा आप पे 20 आरोप लगा दिए। तो ऐसी स्थितियां ना हो, आपकी बदनामी ना हो, वहां कानून में एक सस्ती और एक आसान रेमेडी जो है उपलब्ध है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति से तलाक लेना, जिसे हम कॉमनली 13B हिंदू मैरिज एक्ट की पिटिशन भी कहते हैं। पर दोस्तों, समस्या पिटिशन पेश करने में नहीं है, पिटिशन पेश करने के बाद या उसके दौरान होने वाली धोखाधड़ी से है। कारण क्या है कि जैसे धोखे हम शादी में खाते हैं, वैसे ही धोखे हम इस पिटिशन में खा सकते हैं। तो उनसे बचाव के लिए ये वीडियो उन कपल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन को पेश करने जा रहे हैं या प्लान कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको इनिशियल स्टेज पर एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन पेश करते वक्त आप लोग अक्सर जो गलती करते हैं कि एग्रीमेंट जो है लिखाकर, नोटरी कराकर आप संतुष्ट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो फ्री हो गया, अब मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूं। नोट कर लें, अगर आप किसी भी स्टैम्प पर लिखा पढ़ी कर नोटरी कराकर अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं तो ऐसी कार्रवाई इनलीगल है। अगर ऐसी कार्रवाई आप करते हैं तो उल्टी आप पर कई विधिक कार्रवाइयां जो है वो हो सकती है। तो म्यूचुअल डिवोर्स कभी भी स्टैम्प पर ड्राफ्ट ना करें, ना ही ऐसा प्रयास करें, यह कानूनन अपराध हो सकता है। करना क्या है आपको, सिंपल ड्राफ्टिंग हरे कागज पर करनी, जैसे हम पाई पेपर कहते हैं, वहां पर कोर्ट का नाम, पक्षकारों का नाम और म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन जो है वो अंकित करना है। शादी कब हुई, कहां हुई, किस किस के बीच में हुई, उसको अंकित करना है। शादी से कितने बच्चे हैं, उसको अंकित करना है। आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, उसको अंकित करना है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी में, कस्टडी में, मेंटेनेंस में अदर राइट्स जो है वो क्या होंगे, उसको अंकित करना है। और पिटिशन पेश करते समय एफिडेविट जो है वो जरूर लगाएं, अगर एफिडेविट नहीं लगाते हैं तो पिटिशन डिफेक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आज नई टेक्निक्स हमारे पास डेवलप हैं। कहीं बार एलिगेशन ये आ जाते हैं कि साहब साइन जो है धोखे से ले लिए या मैंने साइन ही नहीं करे, तो वहां पर आप सिग्नेचर के साथ साथ अगर अंगूठा भी लगवा लेंगे तो अपनी पिटिशन को आप सेव कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। अब आती है बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ी गलती, मेंटेनेंस अमाउंट को 2 नंबर में पे करना। कारण क्या है कि मेंटेनेंस अमाउंट को हम 1 नंबर में पे करना नहीं चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स हमारे पीछे पड़ जाएगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी मूर्खता आप करते हैं। अगर आपको अमाउंट कैश में देना है तो वो आप कोर्ट में दें। अगर आप कोर्ट के बाहर कोई अमाउंट कैश में दे रहे हैं, किसी के पास रखवा रहे हैं, तो वहीं पर आप धोखा खाने जा रहे हैं। कल को वो लड़की अमाउंट लेकर फरार हो गई या वो थर्ड पार्टी अमाउंट लेकर फरार हो गया, चूंकि कोई लिखा पढ़ी नहीं है, अगर स्टैम्प पे लिखा पढ़ी कर भी ली गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पर आपका अमाउंट डूबने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर अमाउंट कैश में भी तय है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अमाउंट जो भी देना है वो कोर्ट में ही देना है। और कोशिश करें कि चेक से या DD से या FD से जो है पेमेंट करें, ताकि पेमेंट आपका सुरक्षित रहे, अमाउंट कैरी करना आपको नहीं पड़े और उस चेक के माध्यम से जो है वो पेमेंट हो जावे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी पैसे का पेमेंट बीच में ना करें और ना ही इनिशियल लेवल पे करें। कारण क्या कि कई बार देखा गया कि पैसा लेने के बाद लड़कियां एक्सट्रॉशन करती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं कि जी हम तो और पैसा चाहते हैं, आप पैसा नहीं देंगे हम कंसेंट को विड्रॉ करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार देखा गया है कि म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन में कंसेंट दोनों ही पक्षकारों के द्वारा या एक पक्षकार के द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है, जिसका परिणाम उस पक्षकार को भुगतना पड़ता है जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती जो है वो नहीं है। तो ऐसी लापरवाहियों से बचने के लिए, ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप उस अमाउंट को एंड में दें, उसके लिए लिखा लें कि डिग्री के समय जो है ये अमाउंट प्राप्त करने की अधिकारी होगी, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करूंगा, और सेकेंड मोशन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, बच्चों की कस्टडी किसके पास में रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और कई बार आप मेंटेनेंस वाली बात को लिखाने में कंजूसी करते हैं,
वहां पर आप स्पष्ट कर दें कि जो मेंटेनेंस लिया ये स्थाई एलिमोनी है, इसमें इस महिला का खर्चा भी है, इस बच्चे का खर्चा भी है। बच्चे के खर्चे से मतलब बच्चे के एजुकेशन, बच्चे की मैरिज और अदर एक्सपेंसेस। भले ही इस पिटीशन को पेश करने के बाद, अमाउंट को लेने के बाद, डिक्री के बाद महंगाई बढ़ सकती है और पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर चूंकि ये वन टाइम एलिमोनी है, धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दी जा रही है, तो मैं फर्दर एलिमोनी नहीं दूंगा और ना ही ऐसे कोई पिटीशन पेश की जाएगी, और पेश की जाएगी तो ये रद्द या शून्य जो है मानी जाएगी। तो वहां पर बेनिफिट क्या है कि अगर पेश होती भी है तो वहां पर कोई राइट जो है वो अकर नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अक्सर गलती करते हैं कि कभी भी उसमें स्पेसिफिक नहीं करते हैं कि ये केस जो हमने करे एक दूसरे के खिलाफ, उसे हम कैसे विड्रॉ करेंगे, कब विड्रॉ करेंगे। कारण क्या है कि कई बार देखा गया है कि पहले केसेस को विड्रॉ करते हैं फिर पिटीशन पेश करते हैं। वो गलती आप बिल्कुल ना करें। आप पिटीशन पेश करें, उन मुकदमों का हवाला दें, उसमें ये स्पष्ट करें कि सेकंड मोशन के बयान के बाद हम ये केस विड्रॉ कर लेंगे, और नहीं करते हैं तो जिम्मेदार होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेनल्टी क्लॉज को जो है वो जरूर लिखें कि अगर कोई व्यक्ति ने बेनिफिट ले लिया है, केसेस को विड्रॉ करा लिया है या अमाउंट ले लिया है, ये उन केसेस में है जहां पर केस फाइल हो चुके हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं आप, तो वहां पर ये चीज को जो है स्पष्ट कर दे, तो ये पेनल्टी जो है वो लीगली इंपोज हो सकती है। और इसके अलावा एक बात जो आपको ध्यान रखने योग्य है कि अक्सर ये देखा गया है कि अगर धोखा हो गया है तो अपोजिट पार्टी को कोई दंड नहीं मिलता है। अपोजिट पार्टी ये सोचती है कि मैंने कंसेंट विड्रॉ कर ली है, कोर्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो वहां पर एक पैरा आपकी काफी हेल्प जो है वो कर सकता है। पिटीशन में मेंशन कर दें कि दोनों ही पक्षकार वयस्क हैं, दोनों ने अपना भरा बोला समझ लिया है, कंसेंट को, सहमति को फ्री कंसेंट से बगैर किसी दबाव के दिया है, और जो भी पक्षकार बगैर किसी कारण के कंसेंट को विड्रॉ करता है या धोखा देने की नियत से ये पिटीशन पेश करा रहा है, तो वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई होगी। इस बात को उन्होंने समझ लिया है, पढ़ लिया है। उसका बेनिफिट क्या है कि अगर अपोजिट पार्टी उसे विड्रॉ करती भी है और वहां पर उसका ऑब्जेक्ट ब्लैकमेलिंग है या आपको हैरेसमेंट करना है, तो वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये है कानून की कुछ जानकारियां जो म्यूचुअल डिवोर्स पेश करते समय आपको होनी है। कारण क्या है, मैंने हमेशा ही कहा है, नॉलेज इज पावर। अगर ज्ञान होगा तो आपका ब्लैकमेलिंग नहीं होगा, आपका शोषण नहीं होगा। तो अपने आप को बचाएं, शोषण से बचाएं, आत्मनिर्भर बने और एक सभ्य नागरिक के रूप में अपने राइट्स का करें प्रोटेक्शन और दूसरे के राइट्स का करें सम्मान। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।